वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। इवश फातिमा चैनल से ये फकीर हाजिर है, आपके लिए दुआ हु है। अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजी और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं आप सबको अल्लाह की अमान में देती हूँ और आपकी दुआओं की मैं उम्मीद रखती हूँ, यकीनन आप भी मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि स्कूल की और मदरसे की लाइफ में क्या फ़र्क है। तो मेरी प्यारी बेटियों, जब स्कूल की जिंदगी जो होती है वो बंदे को यानी ऊपर तकबर की तरफ ले जाती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जिंदगी। लेकिन दीन की जिंदगी उसके बरक्स बंदे को झुकाव सिखाती है, और स्कूल की जिंदगी बेअदबी सिखाती है, मदरसे की जिंदगी अदब में लाती है, और स्कूल की जिंदगी नाफरमान बनाती है और मदरसे की जिंदगी फरमा बरदारी में लाती है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, मैं ये पिछले ही दिनों में देख रही थी ऐसे ही वाक्या कि एक बाप और बेटे में यानी अदब में फर्क। बाप बेचारा नंगे पांव चल रहा है, उसके पांव में जख्म है और वो उसके पांव पे छाले पड़े हुए हैं और बगैर जूते के वो बेचारा कपड़े से उस पांव के जख्मों को ऐसे तकलीफ में वो खड़ा है, और बेटा बूट शूट पहन के ट्राउजर पैंट शर्ट पहन के बड़े ठाठ बाट से वो निकल रहा है। तो ये चीजें जो है ये यानी फरमा बरदारी में और एहसास में, दीन की जिंदगी बंदे को एहसास दिलाती है ये मेरे वालिद हैं, मैं अपना यानी कम कीमत वाला पहन लूँ, मैं अपने वालिद को पहना दूँ। और दुनिया की जिंदगी जो होती है वो सिर्फ अपने के लिए कि आप तो जिंदगी गुजार चुके हैं, अब हमने बाहर लोगों में मिलना बरतना है, लोगों में जाना है, ये बंदे के लिए बहुत ही घाटे की जिंदगी है जो दुनियावी जिंदगी है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, दीन की जिंदगी इतना एहसास सिखलाती है कि माँ बाप अगर पास हैं या बहन बहने हैं भाई के लिए या भाई हैं, सब में एहसास दिलाती है। यानी बंदा अपने मुंह से भी लुकमे को रोक के दूसरे को देने की कोशिश करता है, अपनी नींद को कुर्बान करके माँ बाप के लिए जो है उनकी दुआएं लेने के लिए उनकी खिदमतें करता है और फिक्रमंद होता है कि मेरा अपना काम तो रह जाए तो अल्लाह के हकूक तो माफ़ हो जाएंगे लेकिन हकूक अल्लाह माफ नहीं होंगे। वो वालदैन के लिए यानी बड़ी मोहब्बत के साथ उनके चेहरे पर नजर डालता है, दीन की जिंदगी सिखाती है और एक मकबूल हज उमरे का सवाब ले जाता है। और दुनियादार जो होता है वो अपनी ही जिंदगी में मस्त होता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, स्कूल की जिंदगी और जो है मदरसे की जिंदगी में बड़ा फर्क है, इसलिए आपको मुझे चाहिए कि मदरसों में कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है वो कुर्बान करें और अपने अंदर वो खूबियां लाएं जो आपको मुझे जन्नत की तरफ ले जाएंगी और जन्नत का सरदार बना देंगी और जहन्नम की आग से बचा लेंगी। तो मेरी असीसा, बड़े ऐसे वाक्यात हैं कि दुनियावी जिंदगी बच्चों को बदतमीजी से बढ़ से माँ बाप को नीचा धरा के बोलना सिखाती है, और दीन की जिंदगी अदब के साथ दीन का रास्ता समझाने के लिए माँ बाप में जो है वो ऐसा इल्म देती है कि बच्चा खुद भी जहन्नम की आग से इन दुनियावी जो है यानी जिंदगी जो बर्बाद करती है उसे बच बचा के माँ बाप को भी बचा के आगे ले जाता है, बहन भाइयों को भी बचा जाता है। तो मेरी अजीज बेटियों, जहाँ बस नहीं चलता वो खामोश होके कम अज कम अपना आप बचाता है और कितनों को जन्नत में ले जाने में वो कामयाब हो जाता है। तो आजकल नफसा नफसी का दौर किस लिए है कि हम दुनियावी जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टर तो हर घर के 10 अफराद होंगे तो उनको भी चाहेंगे डॉक्टर बना लें, लेकिन आज के वक्त में किसी माहौल में ये नजर नहीं आता कि मेरा बच्चा कामिल आलिम हाफिज बन जाए, बाअमल बन जाए तो फिर बेशक दुनियावी तालीम में भी अरूज पे जाएगा तो आपके लिए कीमती सरमाया बन जाएगा। अक्सर घरों में देखा गया है मेरी अजीज बहनों बेटियों, जो कोई बेचारा हिफ्ज के लिए डालता है तो आगे जो है लालच वाला माहौल, इस तरह का माहौल बर्बाद कर देता है। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बच्चों को निकाला जाए, नाम के लिए नहीं, तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीम आपके मेरे लिए कीमती सरमाया ही बन के निकलेंगे। ये सिर्फ एक बंदे को कोशिश नहीं करनी, आपको मुझे हम सबको करनी है और सबको अपने रब को राजी करने की फिक्र में लगना है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए कि हम दुनियावी जिंदगी की बजाय दीन की जिंदगी, दीन के इल्म को और अमल को तरजीह दें। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए।